सबसे पहले चौमो से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे रूबरू कराते हैं। सट्टेबाजों को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया है, ये बड़ी जानकारी। पथराव में 9 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। पथराव के बाद चौमू पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया है। सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही थी। सट्टेबाजों से 10 लाख से ज्यादा की नकदी यहां पर पुलिस की तरफ से बरामद की गई है। रिंगस रोड आमलियों के पास से ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। पथराव के दौरान पुलिस सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की 2 प्राइवेट कार में भी तोड़फोड़ की गई है। राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। करीब 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। रिंगस रोड आमलियों के पास एक मकान पर दबिश दी गई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, पुलिस की तरफ से जब कार्रवाई की जा रही थी तो खबर ये आ रही है कि पथराव पुलिस पर किया गया है, क्या जानकारी, मामला क्या है, विस्तार से बताएं। कि प्रदेश में जिस तरह से आईपीएल मैच पर सटोरियों का जिस तरह से खेल चल रहा है उसके खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रखी है। चौमू पुलिस को भी सूचना मिली थी कि चौमू जो इलाका है उसके आमलिया रिंग रोड आमलियों के पास एक मकान में आईपीएल मैच पर क्रिकेट सट्टा खेला जा रहा है। उस सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची है, लेकिन सटोरिये पहले से ही वहां पर तैनात है और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में करीब 9 पुलिसकर्मी को चोट आई है। मौके पर थानाधिकारी हेमराज सिंह भी वहां पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस का जो जाप्ता है वहां पर बुलाया जाता है और उसके बाद वहां से 3 आरोपियों को पकड़ा जाता है। करीब 10 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी पकड़ी गई है। जो पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये बता दें आपको कि आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है और इनके पास से क्रिकेट में काम में ली गई जो मोबाइल है, अन्य उपकरण है, करोड़ों रुपए की हिसाब किताब की पर्चियां हैं वो बरामद की गई है। एक अपडेट ये भी बताना चाहूंगा कि इस क्रिकेट सट्टे में जो इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है इनके तार बाहर जो देश है उन तक भी इनके तार जुड़े होने की बात सामने आ रही है। एक बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में अपराधी बेकूफ होकर पुलिस पर आए दिन हमला कर रहे हैं इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और चौमू विधायक ने भी हाल ही में एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में लगातार अपराधों में बेकूफ होकर पुलिस पर आए दिन हमला कर रहे हैं और जिस तरह से चौमू में ये मामला सामने आया उसके बाद अब पुलिस हरकत में आई है और सटोरियों के खिलाफ एक सघन अभियान चला रखा है और देर रात को ये कार्रवाई हुई थी जिसके बाद पुलिस पर ये पथराव किया गया। कुछ वाहन भी जब्त हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको और अभी तो फिलहाल जो आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, पूछताछ आरोपियों से फिलहाल की जा रही है। आपने जानकारी दी 3 को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। अब आगे की कार्रवाई को देखते हुए क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है? लेकिन बताना चाहूंगा कि जिस तरह से ये पूरा जो सट्टा गिरोह है वो उसके खिलाफ अब पुलिस सघन अभियान चलाएगी। जिस तरह से चौमू में सट्टा कारोबारियों का जो खेल चल रहा है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए का यहाँ पर सट्टा चलता है तो उसके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से बेखौफ होकर बदमाश पुलिस पर ही पथराव कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं उसके खिलाफ अब पुलिस को कड़ा रुख अपनाना होगा। और जो थानाधिकारी हेमराज सिंह है उन्होंने भी कहा है कि अब जल्द ही एक सघन अभियान चलाया जाएगा और जो सटोरी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाएगी। अब फिलहाल जो है पकड़े गए जो आरोपी है उनसे पूछताछ करने में जुटी है। पुलिस का मानना यह है कि इनके तार बाहर जो देश है उनसे भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इनका बहुत बड़ा रैकेट जो है इस तरह से चला हुआ है और उन तक वो पहुंचेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रदेश के 3 बड़े शहरों जयपुर को